वैसे भी मुझे प्रॉपर टेस्ट करने नहीं मिलेगा ना, मुझे मज़ा ही नहीं आता गाइस। तो अभी मैं स्टार्ट करके देखता हूँ। अभी मैं निकलता हूँ डिक्की, ये मैंने खोल दिया। अब ये सीट भी, ये रहा 500 खत्म कर दिया मैंने, जितना बचा था थोड़ा। तो आप देख रहे हो स्टार्ट नहीं हो रहा मैं बार बार, ये तो सीरियसली हो गया यार। मैंने तो सोचा बहुत लंबा होगा अभी, और भी बहुत कुछ वीडियो लेना है, एंगल लेने में, ये सोचा अभी यहाँ में जाकर बंद हो गया। अरे यार हो गया यार स्टार्ट सच में यार, ये तब तो मतलब ये पेट्रोल ही खत्म हो गया गाइस। सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ फिर से एक माइलेज टेस्ट, वो है एनटॉक का। आप देख सकते हो ये BS6 मॉडल है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मीटर दिखा देता हूँ। हालांकि अभी पूरा मतलब खोला तो नहीं है मैंने, मतलब फ्यूल पूरा नहीं निकाला हुआ है, अभी 3 पॉइंट बचा हुआ है। और किलोमीटर जो है 6594 है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और तो अभी मैं फटाफट निकाल लेता हूँ इसका जितना तेल है गाइस यहाँ पे, फिर उसके बाद आधा लीटर डाल के हम लोग माइलेज टेस्ट करेंगे। अभी चलो टैंकी खोल लेते हैं तेल का। तो इसका टैंकी यहाँ से खोलता गाइस, ये रहा सीट खोल गया और ये रहा इसका ये। तो अभी मैं निकाल लेता हूँ, ये रहा पाइप, सबसे पहले मैं इसमें निकाल देता हूँ जितना तेल बचा हुआ है। ये सब मैं रेडी करके रखा हुआ। हालांकि इतना तो तेल नहीं हो सकता है, बट फिर भी रेडी करने से ठीक है गाइस। यही पार्ट मुझे बहुत बेकार लगता है गाइस, पेट्रोल मुंह में लगने से इतना नशा हो जाता ना, नशा भी और एक पूरा मुंह पूरा झाल करता है गाइस। गाइस मैं बताना चाहता हूँ एनटॉक का जो है ना बहुत ही हार्ड होता है यार पेट्रोल निकालना, और वैसे भी मुझे प्रॉपर टेस्ट करने नहीं मिलेगा ना, मुझे मज़ा ही नहीं आता गाइस। एनटॉक का सबसे हार्ड है गाइस, क्योंकि ZR125 वो सब हो जाता है, खाली मुंह ऊपर से देने से हो जाता है गाइस। एनटॉक का थोड़ा हार्ड है क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने टेस्ट किया था। गैस इतना निकला, सिर्फ थोड़ा बचा हुआ है और पूरा मैंने निकल दिया। अभी मैं ना गैस स्टार्ट करके मैं चेक करता हूँ, तो जहाँ पे बंद हो जाएगा समझ लो पूरा पेट्रोल खत्म हो जाएगा गैस, फिर मैं आधा लीटर डाल के फिर मैं टेस्ट करूँगा कितना देता है माइलेज हाफ लीटर पे। ओके तो ऑल राइट गैस, अभी पूरा ब्लिंक कर रहा है, यू कैन सी इट मीटर। तो अभी मैं स्टार्ट करके देखता हूँ। अभी देखते हैं क्योंकि मैंने पूरा निकाल दिया हुआ गैस, अभी जो तेल मैंने पूरा निकल दिया हुआ है, अभी थोड़ा बहुत स्टार्ट करेगा और जहाँ तक स्टार्ट खत्म समझ लो ये खत्म हो गया हुआ है, तो फिर मैं ढाल के सीधा टेस्ट करके चलेंगे राइट पर। ये हो रहा है जाने में क्योंकि थोड़ा मोड़ा तो है, अब देखते हैं इसको, फ्यूल भी एम्प्टी बता रहा है। खत्म कर दिया मैंने जितना बचा था थोड़ा। तो आप देख रहे हो स्टार्ट नहीं हो रहा, मैं बार बार नहीं करूँगा क्योंकि ठीक नहीं है। सो अभी मैं आधा लीटर तेल डालूंगा गाइस,
उसके बाद चला जाएंगे माइलेज और किलोमीटर आप देख लो 600 6600। ओके अभी मैं निकलता हूँ डिक्की, ये मैंने खोल दिया। अब ये सीट भी, ये रहा 500 तेल जो मैं ढालूंगा गाइस। सो अभी मैं डालता हूँ गाइस फटाफट, उसके बाद चलेंगे टेस्ट करने पर। सो कहाँ से डालूँ यार, चलो मैं पहले सिर्फ थोड़ा सा गिरा हुआ है इसमें देखता हूँ स्टार्ट करके। अब मैंने तेल तो डाल दिया हुआ है 1/2 लीटर, अभी देखते हैं। ऑन तो हो गया गाइस, अब स्टार्ट करते हैं। एक सेल में स्टार्ट हो गया गाइस। तो चलो गाइस अभी मैं टेस्ट करता हूँ ये 1/2 लीटर और देखते हैं कितना निकलता है माइलेज और किलोमीटर आप देख लो। सो मिलते हैं टेस्ट कर रहे गाइस। मैं शॉक हो गया यार देख के, सिर्फ अब स्टार्ट नहीं हो रहा गाइस। मैं भी देख के शॉक हो गया गाइस, सिर्फ 22 किलोमीटर 1/2 लीटर में, विच मीन्स 1 लीटर में 44 दे रहा है गाइस। ये देखो आप मीटर आप देख सकते हो, अब इतना में जाके रुक गया यार। सीरियसली मैं बिलीव ही नहीं कर रहा हूँ यार। मैंने सोचा शायद 30 तक तो देगा होगा शायद, या फिर 25 समथिंग, बट ये जाके 6622 में रुक गया, विच मीन्स 22 किलोमीटर सिर्फ 1/2 लीटर में दे रहा है, विच मीन्स 1 लीटर में 44। यार ये तो सीरियसली हो गया यार। मैंने तो सोचा बहुत लंबा होगा अभी, और भी बहुत कुछ वीडियो लेना है, एंगल लेने में, ये सोचा अभी यहाँ में जाकर बंद हो गया गाइस। तो चलो यार यहीं पे खत्म कर लेते वीडियो भी, अभी यहीं पे खत्म हो गया तो यार ज्यादा क्या लंबा बनाऊ मैं। सो एनीवे गाइस अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों लोगों के साथ, जितना भी राइड करने जो लोग भी एंटॉक लेने जाने वाला है। और एक चीज़ मैं आपको सीरियसली बोलना चाहता हूँ, एंटॉक इज़ द बेस्ट, क्योंकि राइडिंग पोस्चर सब कुछ टर्निंग रेडियस में भी और कम्फर्ट में भी बहुत टफ है एंटॉक, क्योंकि मैंने अभी जस्ट राइड किया हुआ है और स्पोर्ट मोड में है गाइस, शायद इसीलिए ये बहुत इतना खाया हुआ है। तो चलो गाइस एनीवे डू सब्सक्राइब माई वीडियो, शेयर लाइक एंड डू कमेंट करना, ठीक है गाइस, बाय बाय। एनीवे गाइस जितना था पेट्रोल मैंने सब डाल दिया, तो अभी टेस्ट करते हैं गाइस स्टार्ट होता कि नहीं। अरे यार हो गया यार स्टार्ट, सच में यार ये तब तो मतलब ये पेट्रोल ही खत्म हो गया गाइस सीरियसली। चलो तब तो यही था आज का वीडियो गाइस, बाय बाय।